तो गाइस 14 फरवरी जी हाँ दोस्तों वैलेंटाइन डे वाले दिन ऑफिशियल नोटिस आ गया जी हाँ दोस्तों, यदि आप इंडिया सर्वर से हैं, यदि आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, यदि गाइस आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में गाइस कुछ एप्लीकेशन कुछ सॉफ्टवेयर गाइस ऐसे हैं जो गाइस हमारे देश का डाटा, आपकी कंट्री का डाटा दूसरी कंट्री में डाटा शेयर कर रहे हैं। तो गाइस ऐसे गाइस 54 एप्लीकेशन को जो गाइस हमारे फोन में रन करते रहती हैं, सॉफ्टवेयर जो हमारे फोन में रन करते रहते हैं, एप्लीकेशन में आप गाइस एलो का ऑप्शन हर ऐप में दबाते रहते हो, आप कब खाते हो, कब पीते हो, आपका पासवर्ड क्या है, सब कुछ शेयर हो रहा है आपका ऐप की मदद से, ठीक है। तो गाइस इंडियन गवर्नमेंट ने 54 चाइनीज ऐप को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है ताकि गाइस हमारा देश थोड़ा सिक्योरिटी के मामले में कुछ एडवांस हो सके। अरे कहना क्या चाहते हो? 54 ऐप की लिस्ट में गाइस ग्रीना फ्री फायर गेम जी हां दोस्तों गाइस जो कि एक बैटल रॉयल गेम है गाइस, इस गेम का नाम भी शामिल है। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको पूरी कंफर्मेशन बता दूंगा आपको क्या करना हो जिससे आप फ्री फायर खेल सको, और गाइस क्यों ये ग्रीना फ्री फायर का नाम आ रहा है, ये क्योंकि सिंगापुर में बिलोंग करते हैं बट फिर भी इनका नाम आ रहा है। तो गाइस आज इसके बारे में फुल डिटेल बताने वाला हूं, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस बात करें गाइस ऐप लॉक, काफी ज्यादा सिक्योरिटी आप स्क्रीन पे देख रहे हो गाइस, कौन कौन सी एप्लीकेशन का नाम आ रहा है जो गाइस बैन हो चुकी है इंडिया में। तो गाइस आप 27 नंबर पे देख सकते हो ग्रीना फ्री फायर इल्यूमिनेट। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी एक फ्री फायर लवर और फ्री फायर खेलते हो तो गाइस आपकी ये गेम गाइस अभी तक बैन नहीं हुई है, यदि आपके फोन में रन कर रही है तो गाइस बहुत जल्दी ये गेम गाइस बंद होने वाली है आपके फोन में, ये फंस गया सी है। तो गाइस पबजी को भी बैन कर दिया गया था क्योंकि वो हमारे ही सिक्योरिटी सिस्टम को गाइस हमारे देश की कंट्री का डाटा ट्रांसफर कर रहे थे दूसरी कंट्री में। जी हाँ दोस्तों, वैसे गाइस सेम फ्री फायर का सीन होने वाला है गाइस, इसका मेन रीजन गाइस ये बताया जा रहा है कि गाइस ग्रीना फ्री फायर जो गेम है हमारी देश की कंट्री का गाइस डाटा चोरी कर रही है और दूसरे गेम में ट्रांसफर कर रही है। आई नो दोस्तों, आपको पता है कि इस ग्रीना फ्री फायर जो गाइस बनी है जहां इसका हेडक्वार्टर है वो गाइस सिंगापुर पे है, ना कि गाइस चाइना में। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बट गाइस सुनो, ध्यान से सुन लो गाइस, ठीक है। हम गाइस जिस गेम को कहते हैं गेम के गाइस जो भी गेम होती है उसकी गाइस प्रोग्रामिंग होती है जी हां दोस्तों, गेम के गाइस जो सॉफ्टवेयर रन करता है जी हां दोस्तों, गाइस ये गेम है जहां गाइस आपका बंदा ये चल रहा है फायर कर रहा है, कुछ भी है गाइस म्यूजिक सिस्टम साउंड सिस्टम जो भी होता है गेम में गाइस ये प्रोग्रामिंग होती है सारी, ठीक है। मगर क्यों? तो गाइस जो सॉफ्टवेयर गाइस पबजी में यूज हुआ था जी हाँ दोस्तों, जो गाइस पबजी में टीसेंट नाम का एक जो सॉफ्टवेयर है, सॉरी दोस्तों मैं नाम थोड़ा गलत ले रहा हूँ ठीक है, मुझे माफ कर देना, पर गाइस ऐसे एक सॉफ्टवेयर यूज हुआ था ठीक है, जिसके कारण गाइस जो हमारे चाइना से लेटे वो सॉफ्टवेयर ठीक है गाइस, जिसके जो ग्रीना फ्री फायर में गाइस उस गेम ने जो प्लानिंग की थी पूरी प्रोग्रामिंग की थी इस गेम के बारे में, 20% शेयर गाइस ग्रीना फ्री फायर के उसके पास है। तो गाइस उसी को सिक्योरिटी सिस्टम को ध्यान रखते हुए पिछली बार जब पबजी गाइस जो गेम था गाइस वो वेटर गेम था जो वैन हुआ था गाइस, तब इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया गया था ठीक है। अब गाइस थोड़ा ज्यादा फोकस करने पे पता लगा है कि गाइस ये हमारी देश कंट्री का डाटा चोरी कर रहे हैं ठीक है, और काफी सारे और सॉफ्टवेयर का खुलासा किया गया है। तो गाइस ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है कि ग्रीना फ्री फायर पूरी तरह से वैन हो चुकी है, यदि आपके फोन में गाइस है वो एप्लीकेशन तो गाइस अपने आप इंस्टॉल कर दो, या गाइस आप गाइस थोड़े दिनों बाद देखोगे तो आपके फोन से अपने आप हट जाएगी। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो गाइस इसकी सूचना जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनना गाइस, इसकी सूचना गाइस ग्रीना फ्री फायर कंपनी को पहले से हो चुकी थी जी हाँ दोस्तों, जब भी गाइस गेम की प्रोग्रामिंग होती है तो गाइस वो बाद में गाइस वो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों। तो गाइस आप ऐसा बिल्कुल सोच सकते हो कि ग्रीना फ्री फायर को पता था कि इसके शेयर चाइना में है, इनको पता था फिर भी इन्होंने चेंज क्यों नहीं किया, तो गाइस चेंज नहीं कर सकते हैं, इसी को गाइस ध्यान में रखते हो ग्रीना फ्री फायर वालों ने गाइस इनको पहले लग चुका था पता, इन्होंने एक प्लानिंग के साथ ग्रीना फ्री फायर मैक्स को गाइस आपके सामने इंस्टॉल किए थे जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हो ग्रीना फ्री फायर मैक्स जी हां दोस्तों, जो कि आप देख सकते हो प्ले स्टोर से गाइस ग्रीना फ्री फायर को रिमूव कर दिया गया है, जो कि गाइस एक कॉमनली बात है ठीक है, क्योंकि गाइस कोई भी यदि आपकी भी कुछ कंपनी है कोई भी एप्लीकेशन, आप नहीं चाहते हो कि आपके एप्लीकेशन के कल से कोई कंप्लेंट हो या कुछ हो, तो गाइस सिक्योरिटी को मद्देनजर में रखते हो गाइस इन्होंने भी एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया गया, बट गाइस आप प्ले स्टोर पे चेक करोगे रिसेंटली जाके गाइस ग्रीना फ्री फायर मैक्स गाइस आप देख सकते हो स्क्रीन पे, उसका गाइस 1% भी शेयर गाइस चाइना का नहीं है गाइस जी हाँ दोस्तों, फ्री फायर वालों ने काफी अच्छा दिमाग के साथ प्रोग्रामिंग की है। आप भी गाइस ध्यान से सुनो गाइस, आपकी जो भी फ्री फायर आईडी है जी हाँ दोस्तों बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ गाइस, आपने जितने भी पैसे लगाए हैं जो भी कुछ किया है निश्चिंत हो जाओ, उसको कुछ भी नहीं होगा गाइस, वही आईडी जी हाँ दोस्तों गाइस वही आईडी आपकी ग्रीना फ्री फायर मैक्स में चलेगी 100% चलेगी। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, ये गेम थोड़ी बैन हो गई थी तो काफी बंदों का मुझे कमेंट आ रहा है भाई इस गेम के बिना मैं मर जाऊंगा ये होगा,
बट गाइस आप हमेशा याद रखो गाइस, सबसे पहले आप एक इंडियन हो, ठीक है। तो गाइस यदि आपके कंट्री का कहीं कंट्री के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपका डाटा कोई चोरी कर रहा है, तो गाइस आप उसको सपोर्ट करोगे तो गाइस ये तो गलत बात है। तो प्लीज गाइस अपनी कंट्री को सपोर्ट करो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गाइस, ठीक है, जो गलत है भाई वो गलत। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। काफी सारे यूट्यूबर गाइज आपको बोल रहे हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करो, वीपीएन का यूज करो, कुछ भी मत करना गाइज। आप अपनी ओरिजिनल आईडी के साथ गाइज हाथ धो बैठोगे। गाइज जो भी आपके फोन में गाइज अभी तक ग्रीना फ्री फायर वर्क कर रहा है, जब तक वर्क कर रहा है तो आप गाइज उसको रन कर सकते हो। गाइज अपना आप मोबाइल नेट बचा के रखना, क्योंकि ग्रीना फ्री फायर को यदि आप इंस्टॉल कर सकते हो तो गाइज इंस्टॉल कर लो, और गाइज उसमें आपका गेम बिल्कुल स्मूथली चलेगा। क्योंकि उसमें जो गाइज जो एक सॉफ्टवेयर का यूज किया गया है, मुझे गाइज सूत्रों के अनुसार पता लगा है, वो सॉफ्टवेयर फायर लिंक टेक्नोलॉजी। जी हां दोस्तों, आप गाइस सही सुन रहे हो, फायर लिंक गाइस टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसका सॉफ्टवेयर है जो गाइस बिल्कुल भी चाइना से गाइस 1% भी शेयर नहीं है गाइस, बिल्कुल गाइस ग्रीना फ्री फायर का सॉफ्टवेयर है। तो गाइस अभी आप निश्चिंत हो जाओ, आप गाइस गेम प्ले कर सकते हो ग्रीना फ्री फायर मैक्स गेम में। गाइस काफी मेहनत लगी गाइस इंफॉर्मेशन कलेक्ट होने में, गाइस काफी सारा वक्त लगाएगा, तो गाइस बहुत सारी मेहनत लगती है। तो गाइस वीडियो जरा भी सी भी अच्छी लगी, यदि आप एक फ्री फायर लवर हो, गाइस गेमिंग लवर हो, तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे।